न्यू कराची सनती एरिया 8 नंबर रोड पर ताज मोहम्मद के कत्ल का वाकया डकैती मजामत का शाख़साना निकला। वरसा का कहना है कि मकतूल ताज मोहम्मद न्यू कराची वजीर गोट का रिहायशी और एलपीजी फिलिंग स्टेशन की दुकान थी। गुज़िश्ता रात न्यू कराची 8 नंबर पर कायम दुकान पर तीन मुलजमान दाखिल हुए। मुलजमान ने नकदी और मोबाइल फोन छीना, जिस पर मकतूल ताज मोहम्मद ने अपने जाती असलहे से मजामत की और मुलजमान ने फायरिंग करके ताज मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बिलाल अली से। जी बिलाल अली, बताइएगा क्या मामला पेश आया। जी देखिए, न्यू कराची सनती एरिया है टिम्बर रोड पर गुज़िश्ता रात जो है डकैती का वाकया हुआ है। मकतूल ताज मोहम्मद न्यू कराची वजीर गोट के रिहायशी और एलपीजी फिलिंग स्टेशन की दुकान थी। गुज़िश्ता रात दुकान पर मौजूद थे तीन मुलजमान दाखिल हुए। मुलजमान ने नकदी और मोबाइल फोन छीना, जिससे मकतूल ताज मोहम्मद ने अपनी जाती असले से मुजामत की और जिससे मुलजमान की जानब से फायरिंग की गई। इनके भाइयों का कहना है कि मेरे भाई के किसी सियासी और मजहबी जमात से वापसी की नहीं थी। हम कब तक अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे। हमारी आला हुकाम से अपील है कि वाकई में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करके कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। पुलिस ने वाकई का मुकदमा मकतूल के भाई की मदयत में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चाहे बच्चों से शवाइत भी जमा कर लिए हैं। जल्द मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया।